नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। आइए बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। वैक्सीन की कमी को लेकर अब मुंबई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुंबई कांग्रेस ने पूरे शहर में अलग अलग जगह पर कई पोस्टर लगाए। ये तस्वीर मुंबई के घाटकोपर इलाके की है, जहां मुंबई कांग्रेस द्वारा पोस्टर लगाया गया, जिसमे लिखा गया है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस तरीके का पोस्टर कुछ दिन पहले दिल्ली में लगाए गए, जिसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ले ली थी। दिल्ली पुलिस ने जिस पर कार्रवाई करते हुए 25 लोगों पर प्राथमिकता दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस पोस्टर लगाने वालों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुंबई कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टर को लेकर बयान देते हुए कहा है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे संकट काल में सभी देश एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जब भारत देश को भी जरूरत पड़ी तो अन्य देशों ने भी भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और वैक्सीन भारत को मुहैया कराए। यहाँ तक कि वैक्सीन का कच्चा माल विदेश से आता है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के नियम के तहत उसका कुछ हिस्सा विदेशों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ये सभी जानते हैं। आगे संजय पांडे ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है, इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर भारत देश कोरोना महामारी के साथ कांग्रेस पार्टी नामक वायरस से भी जूझ रहा है। इस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने वाले कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्टर लगा है उसका बीजेपी ने निषेध किया। बीजेपी के मुताबिक केंद्र में सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। संजय पांडे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार से मांग की है कि जिन लोगों ने मुंबई में पोस्टर लगाए हैं उन पर संकट काल में कोरोना के नियम के तहत कार्रवाई की जाए। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, हर देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब भारत को भी आवश्यकता पड़ी तो अन्य देशों ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर और यहां तक नहीं वैक्सीन भी भारत को दी है। वैक्सीन का कच्चा माल यह विदेशों से आता है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंतर्गत उसका कुछ हिस्सा विदेशों को एक्सपोर्ट करना यह अनिवार्य है, यह सभी जानते हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत कोरोना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी नामक एक वायरस से भी जूझ रहा है। इस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम फैलाने वाले पूरे मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्टर लगाए हैं हम उसका निषेध करते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन खो दिया है। मैं महाविकास अघाड़ी सरकार से यह मांग करता हूं कि ऐसे पोस्टर लगाने वालों पर पैंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के नेता और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष सरनजीत सिंह संप्रा ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर को लेकर कहा है कि ये पोस्टर केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की जो नीति है उसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध जताया। सप्रा ने केंद्र सरकार की पॉक्सी पर निशाना साधते हुए कहा, आज स्थिति ऐसी है कि ना तो 44 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों को टीका लग रहा है और ना ही 18 साल के ऊपर वाले लोगों। आगे सप्रा ने यह भी कहा है कि 18 साल से 44 साल वाले व्यक्तियों में ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। जब समय था तब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन खरीदने की बजाय 5 राज्यों के चुनाव और सेंट्रल विस्तार के निर्माण की योजना बना रही थी। आगे सप्रा ने केंद्र सरकार की नीति और नियत दोनों गलत बताया। केंद्र सरकार सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, इमेज बिल्डिंग, पीआर और टीआरपी को ज्यादा ध्यान में रखती है। सप्रा ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो तो छपवाई है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो नहीं छपवाई। प्रधानमंत्री की फोटो डेथ सर्टिफिकेट पर भी होते तो मृतकों के परिवार वाले लंबे समय तक याद रखते कि मोदी राज में ये सब चीजें हुई है। मोदी सरकार को 20,000 करोड़ के राजमहल बनाना जरूरी है, लेकिन जो लाखों लोगों की जान बचाने का जो राज धर्म है उसे नहीं निभा रहे, ये गलत है, जिसका मुंबई कांग्रेस विरोध करती है। मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए हुए बैनर ये केंद्र सरकार के खिलाफ, जो उनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ
एक बहुत ही बड़ा जनता में रोष का प्रमाण है। जिस तरह से केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी फेल और फ्लॉप हुई है, आज ना तो टीके 44 के ऊपर के उम्र के लोगों को मिल रहे हैं और ना ही 18 से 44 के बीच में जो लोग हैं। 18 से 44 के बीच में जो लोग हैं, जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं, वो तो और भी परेशान हैं। जब समय था तब केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन खरीदने के बदले 5 राज्यों के चुनाव और सेंट्रल विस्ता के निर्माण की प्लानिंग कर रही थी। ये केंद्र सरकार, इनकी नीति और नियत दोनों गलत है। ये मात्र अपनी पब्लिसिटी, इमेज बिल्डिंग, पीआर और टीआरपी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर अपनी फ़ोटो तो छपवाई है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर अपनी फ़ोटो नहीं छपवाई। यही फ़ोटो अगर डेथ सर्टिफिकेट पर भी होती तो जो लोग कोरोना के चलते मर रहे हैं, उनके परिवार वाले भी लंबे समय तक याद रखते कि मोदी राज में ये सारी चीज़ें हुई है। मोदी सरकार को 20,000 करोड़ का राजमहल बनाना जरूरी है, लेकिन लाखों लोगों की जान बचाने का राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। ये गलत है, इसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस इसका विरोध करती है। तो यदि आपकी खबर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।